नमस्कार श्रोताओ, मैं आचार्य रामचिरंजीव शर्मा चैनल भक्ति महिमा के तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। श्रोतागण, आज का शीर्षक है माता सीता किसकी पुत्री थी। तो श्रोतागण, आइए इस संदर्भ से जानते हैं। श्रोतागण, एक समय की बात है कि राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया था। वर्षा भी हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। राजा जनक बहुत दुखी थे कि अगर वर्षा नहीं होगी तो प्रजा भोजन कहां से करेगी, मेरे राज्य के लोग भूखे मरेंगे, यह सोचकर वह बहुत चिंतित हुए और ऋषियों को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे प्रार्थना किया, हे ऋषिवर, इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु कोई उपाय बताएं। श्रोतागण, राजन की बात सुनकर ऋषियों ने बोला, हे महाराज, अगर आप स्वयं हल लेकर के जोते तो आपके इस कार्य से इंद्रदेव अवश्य प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे। श्रोतागण, ऋषियों की बात सुनकर राजा जनक हल लेकर के खेत में पहुंचे। जब राजा जनक हल चलाना शुरू किए तब उनका हल चलते चलते एक धातु से जाकर टकराया। तब राजा जनक रुकते हुए बोले कि इस जगह की खुदाई करो। श्रोतागण, राजा जनक की आज्ञा पाकर नगरवासी वहां की खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते एक कलश मिला। उस कलश में एक कन्या थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा। जैसे हम सब जानते हैं कि राजा जनक जनकपुर के राजा थे। वह राज्य बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है कि राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। राजा जनक जब पुत्री को देखा तो उस पुत्री को देखकर धन्य हो गए और माता सीता को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। श्रोतागण, इससे साफ पता चलता है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। श्रोतागण, इस तरह से माता सीता धरती मैया की पुत्री थी। तत्पश्चात माता सीता धरती में ही अपना समाधि लिया। श्रोतागण, इसी के साथ मैं आचार्य रामचिरंजीव शर्मा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। और हाँ श्रोतागण, चैनल भक्ति महिमा को जरूर सब्सक्राइब करें।